नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अजय कुमार सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फेशियल पाल्सी यानी कि चेहरे के लकवे के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चेहरे के लकवे के कारण के बारे में बात करूंगा, इसके लक्षण क्या आते हैं उसके बारे में बताऊंगा और वीडियो के अंत में बताऊंगा कि होम्योपैथी की कौन कौन सी अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि चेहरे के लकवे में काफ़ी कारगर होती है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। जो व्यूअर मेरे चैनल पर पहली बार है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों उसके बगल में एक बेल आइकन है उसे दबा दें, जिससे ये फायदा होगा कि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं चेहरे का लकवा। अगर बेसिकली अगर कारण की बात की जाए तो चेहरे के लकवा वाले कंडीशन में होता क्या दोस्तों? देखिए दोस्तों, कान के पीछे से हमारे क्या होता है कि फेशियल नर्व निकलता है। अब इस नर्व का क्या काम रहता है कि आपके एक साइड के पूरे जो ये हाफ साइड जो आप देख रहे हैं, ये पूरे हाफ साइड वाले चेहरे को यह क्या करता है, नर्व, फेशियल नर्व क्या होता है, कंट्रोल करता है। अब ये नर्व यहां से निकलने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये पांच ब्रांच में बढ़ जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है, नीचे की ओर आ जाता है और उसके बाद यहाँ चेहरे में फिर एक नीचे में आ जाता है। दोस्तों अगर इस ब्रांच के अपर पार्ट में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम अगर होता है तो आप अपने फोरहेड का मूवमेंट, कहने का मतलब है कि इस तरह का जो मूवमेंट होता है दोस्तों, आप नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये आपका जो आईब्रो है वो डाउनवर्ड हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है कि अगर दूसरा नर्व यहाँ पर इसका ब्रांच है, इस ब्रांच में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम अगर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि आपकी आंखें क्या होती है, खुली रह जाती है। उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, आंखें जब खुली रहती है तो धूल जितने भी होते हैं, अगर आप रोड पर निकल रहे हैं तो जो डस्ट पार्टिकल, धूल, सनलाइट, ये सब क्या होता है डायरेक्ट आपकी आंखों पर पड़ता है, तो इससे आगे चल करके आपकी आंखें खराब भी हो सकती है। और इसके साथ साथ आंखों पर क्या होता है कि आप अगर आपकी आंखों में अगर आंसू आ गया तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आंखें क्या होती है ड्राई हो जाती है, आंखों से क्या होता है आंसू अपने आप नीचे की ओर गिर जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो अगर मिडिल, जो इसके जो मिडिल ब्रांच है उसमें अगर क्या होता है, अगर प्रॉब्लम हो जाए दोस्तों, तो आप जो है अपने दोनों साइड के गाल को फुला नहीं सकते हैं, इस तरह का मूवमेंट आप नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ अगर लोअर वाले पार्ट में होता है या फिर अपर वाले पार्ट में, दोनों अगर इफेक्टेड अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि आप जब अगर कोई किसी तरह का आप खाना खाते हैं या पानी को पीते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पानी जब पीते हैं आप, तो पानी क्या होता है कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो गिर जाता है। या फिर अगर पानी को लेकर के आप अगर कुल्ला करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप कुल्ला करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है कि जिस साइड में आपका पैरालिसिस इफेक्ट है वो क्या होता है, उस साइड से बाहर की ओर गिर जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब खाना खाने की कोशिश करते हैं तो आपके दांत जो है वो दोनों एक साथ इस तरह से एक साथ नहीं बैठते, वो आगे पीछे ऐसे होकर के ऐसा होकर बैठते हैं। अब दोस्तों इसके साथ साथ और क्या देखने के मिलता है कि आप अगर अपने होंठ को अगर गोला करने की कोशिश करते हैं तो वो भी बैलेंस नहीं होता है और आपके चेहरे जो होते हैं वो क्या होता है, अगर आपका इस डायरेक्शन में अगर वीकनेस है तो क्या होता है कि ये डायरेक्शन, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, स्ट्रांग पार्ट है, तो ये क्या करता है, स्ट्रांग पार्ट लेफ्ट वाले इस पार्ट को क्या करता है कि अपनी ओर खींच लेता है और चेहरा आपका कैसा हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अब उसके बाद अगर हम नीचे के ब्रांच की बात करें, अगर इसमें अगर ज़्यादा इफेक्ट अगर आता है तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा कि आप अपने लोअर वाले पार्ट का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, इस तरह से ये मूवमेंट आप नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन जो होता है इसके पीछे जो है बेसिकली कारण है। 60% केसेस में क्या होता है दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन होता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपके जो फेशियल नर्व है यानी कि सेवंथ क्रेनियल नर्व जो है उसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है और उसका इफेक्ट क्या होता है कि आपके नर्व जो हैं अगर जब स्वेल कर जाते हैं तो वो जिस रीजन में सप्लाई होता है उस रीजन की मांसपेशियां काम करना अपना बंद कर देती है। ये तीन स्टेज में होता है दोस्तों, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर माइल्डली होगा तो क्या होगा कि आपके जो मसल्स एक साइड के वो क्या है कि कम काम करना बंद करेंगे। उसके बाद अगर मॉडरेट होता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ कंट्रोलिंग रहता है, और सीवियर वाले कंडीशन में क्या होता है कि कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस तरह का जो कंडीशन आपके सामने मैंने जो बताया कि पहला नंबर क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन। दूसरा नंबर अगर हर्पीस जोस्टर का अगर इफेक्ट पड़ता है, वो भी एक तरह का वायरस, उसका भी इफेक्ट पड़ता है, जिसे हम लोग सिंप्लेक्स भी बोलते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम होता है। या फिर अगर आप ठंड के मौसम में अगर आप कार में जा रहे हो, चाहे ट्रेन में जा रहे हो, चाहे बस में जा रहे हो, और बस की आप खिड़कियां खोले हुए हैं और ठंड जो है, हवाएं जो बार बार जो आपके कानों के पास लगती है, तो उसके कारण क्या होता है कि कोल्ड का जो एक्सपोजर होता है वो नर्व पर प्रेशर बनता है और उसके कारण भी ये प्रॉब्लम राइज हो जाता है 24 से 48 घंटे के अंदर में। अगर उस नर्व पर, अगर सेवंथ क्रेनियल नर्व में अगर किस तरह का ट्यूमर हो तो उसके कारण भी आपको फेशियल पाल्सी हो जाता है, यानी कि चेहरे का लकवा हो जाता है। या फिर दोस्तों अगर किसी तरह का इंजुरी अगर हो जाता है, अगर इस रीजन में अगर किसी तरह का इंजुरी हो जाए उसके कारण भी आपको फेशियल पाल्सी हो जाता है, यानी कि चेहरे का लकवा जो मैंने अभी बताया वो हो जाता है।
अब दोस्तों अगर आपको स्ट्रोक का अटैक अगर आता है उसके कारण भी आपको फेशियल पाल्सी हो जाता है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि फेशियल नर्व में क्या होता है कि इंफ्लामेशन हो जाता है, या इन्फ्लामेशन होने से क्या होता है कि उस पर प्रेशर बन जाता है। होता क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर एक बोनी पार्ट है और इसी बीच से क्या होता है दोस्तों कि नर्व जो हमारा पास करता है, लेकिन जब नर्व क्या होता है कि वो जब स्वेल कर जाता है तो वो स्वेल को जगह तो हमारा एक जो नॉर्मल है उसी तरह का रहता है, लेकिन ये स्वेल होने के बाद क्या होता है दोस्तों इस तरह से इसमें से वो पास नहीं हो पाता, इस पर प्रेशर बनने लगता है। जब इस पर प्रेशर बनना चालू होता है तो जब प्रेशर जब बनता है तो प्रॉपर वे में इसका एक्शन जो आगे की ओर जो ब्रांच पर जो जा रहा है, जो मैंने अभी बताया कि ऊपर के वाले पार्ट में, इसके नीचे मिडिल भाग में, तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर बनने से वो अपना प्रॉपर एक्शन नहीं कर पाता, जो उसका काम है वो नहीं कर पाता और मोटर जो उसका जो मसल्स है वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो था वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब दोस्तों इस तरह का इफेक्ट अगर हो गया तो अब क्या है कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी अच्छी दवाइयाँ हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको राइट साइड में अगर ये प्रॉब्लम अगर आ रहा है और ड्यू टू क्या हो रहा है कि एक्सपोजर टू कोल्ड, अगर कोल्ड वेदर है उसके कारण अगर एक्सपोजर से ये प्रॉब्लम अगर हुआ है और सडनली हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको कॉस्टिकम लेना है 30 potency में, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम, 2 बूंद रात। अगर दोस्तों अगर कॉस्टिकम से अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं तो आप 200 potency ले सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि राइट हो चाहे लेफ्ट और सडनली हुआ है, लेकिन उसमें क्या है दोस्तों कि जो मैंने अभी बताया कि एक्सपोजर कोल्ड के कारण अगर हो जाता तो एकोनाइट भी आप ले सकते हैं। इसकी दूसरी जो मैंने दवाई जो बताई अभी एकोनाइट के कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि सडनली आपको होगा, इसके लिए कोई राइट और लेफ्ट की बात नहीं है। अब लेफ्ट साइड की हम लोग बात करते हैं कि अगर लेफ्ट साइड में अगर आपको फेशियल पाल्सी हो जाता है तो इसके लिए दोस्तों आती है मेडिसिन कैडमियम सल्फ। कैडमियम सल्फ को आपको 30 potency में लेना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। अगर उससे आपका प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप इसे 2-2 घंटे के अंतराल में शुरू में ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी वीडियो के माध्यम से अभी आपको मैंने 3 जो होम्योपैथी की दवाइयाँ मैंने बताई, राइट और लेफ्ट, और उसके हिसाब से उसके साथ साथ मैंने सडनली जब प्रॉब्लम होता है तो एकोनाइट आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपके आईलिड कभी कभी क्या होते हैं कि ड्रॉप हो जाते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं पिटियोसिस, अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में आपको जेलसिनियम लेना है, जेलसिनियम 30 potency में, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। दोस्तों मैंने अभी वीडियो के माध्यम से अभी आपको होम्योपैथी की 4 अच्छी दवाइयाँ बताई, अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो जो है आपके लिए सिर्फ नॉलेजेबल वीडियो है, कोशिश करें अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो नज़दीकी किसी न्यूरो फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें, या भी किसी फिजिशियन से कंसल्ट करें दोस्तों, इसे आप अपने से डायरेक्ट दवाइयां न लेने का कोशिश करें। तो दोस्तों मैंने वीडियो के माध्यम से अभी आपको बताया कि चेहरे में अगर लकवा हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या लक्षण होते हैं और कौन कौन से होम्योपैथी के दवाइयाँ हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों इस तरह का मैं आपके लिए हर समय नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।